प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैंगो शेक बनाना बताएंगे। तो सामग्री में हमने 3 पके हुए आम ले लिया है, 1 नींबू ले लिए हैं, टेस्ट के अनुसार चीनी ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम छिलना की सहायता से आम का छिलका उतार लेते हैं। तो हमने इस तरीके छिलका उतार दिया है। अब हम मिक्सी जार लेंगे। तो मिक्सी जार में हम चीनी डाल देते हैं। तो पके हुए आम को हम छोटे पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं। तो 2 आम का छिलका हमने उतार कर इस तरीके तैयार कर लिया है। अब हम मिक्सी जार में पके हुए आम को डाल देते हैं। थोड़ा कटा हुआ आम को हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए इतना हमने बचा लिया है और 1 आम भी बचा लिए हैं। हमारी बेटी मांग रही है खाने के लिए, तो उसको हम दे रहे हैं खाने के लिए। अब हम पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। तो हमने चीनी आम को बिल्कुल महीन पीस कर तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो आइए गैस की तरफ चलते हैं। गैस हमने जला दिया है। कढ़ाई में हम पीसी हुई आम और चीनी को डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम हाई करेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसे हम मीडियम हाई फ्लेम में चलाते हुए बढ़िया से पकाएंगे और हमें इसे इतना पकाना है कि जब तक इसमें का कलर चेंज ना हो जाए और गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो कलर काफ़ी चेंज हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा हो गया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। आप इसे स्टोर भी रख सकते हैं, बिना पानी मिलाए हुए पके हुए आम को किसी बर्तन में आप फ्रिज में रख सकते हैं। आप महीनों तक स्टोर रख सकते हैं और जब पीने का मन हो तो ठंडा पानी मिलाकर इसे आप पी लीजिए। तो अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम सर्व करने के लिए गिलास में निकाल लेते हैं। अब हम आइस क्यूब डाल देते हैं। कटे हुए आम को अब हम गार्निश कर देते हैं। अगर हमारी यह रेसिपी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैंगो शेक बनके तैयार हो गया है। तो आज की मैंगो शेक की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे। बहुत ही टेस्टी बना है, मज़ा आ गया। तो आप भी इस तरीके मैंगो शेक बना के पीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बना है। तो हमारे बच्चे मैंगो शेक बहुत पसंद करते हैं और इसे हम दूसरे तीसरे दिन बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।